पैसे दे के बेवकूफ बनना। बनाना शेक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अंधेरा करके रूम को एंजॉय कर रहा हूँ इसको। पहले ही टिकट बुक कर लिया, डेढ़ घंटे में अभी इंटरवल हुआ है। ये बॉलीवुड कभी नहीं सुधर सकता। रणबीर कपूर बेहोश हो गया, ऊपर से कौवा आ रहे हैं। तो जिम के लिए निकल गए हैं, अभी हो रहे हैं 10:30। लिफ्ट कितने दिन में आता है देखते हैं। सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? तो गाइज वर्कआउट हो गया, आज बैक मारा, साथ ही साथ ये दूध ले लिया है, दूध खत्म हो गया था, इधर ही से ले लिया, सुपरमार्केट से नहीं मंगवाया। अभी चलेंगे बनाना शेक बना के पियेंगे और कुछ खाएंगे। जब ऐसा हो कि भूख बड़ी तेज लगी है और आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप फटाफट खाना बना सकते हैं, तो बनाना शेक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इसमें बादाम मिलाता हूँ मैं, प्रोटीन अपना मिला देता हूँ जो रॉ है वो वाला, बनाना हो गया, दूध हो गया, तो थोड़े टाइम के लिए ना पेट एकदम फुल हो जाता है ताकि खाना वाना आराम से बना सकते हैं। फिलहाल दोपहर के 1 बज रहे हैं, 1 बजे मैं अभी जिम से आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया, जिम में अच्छे से वर्कआउट किया ना मैंने। तीसरा हफ्ता चल रहा है तो मैं पूरा टाइम लेके वर्कआउट करता हूँ, पहले जाता हूँ तो वार्म अप करता हूँ, एप्स मारता हूँ क्योंकि पेट भी थोड़ा कम करना जरूरी है, और साथ में साथ जब वार्म अप करने के बाद फिर जो भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को टारगेट करना है उसके लिए वर्कआउट शुरू करता हूँ। 1 स्कूप ये वाला प्रोटीन मिक्स करूंगा, ये गया प्रोटीन, बस इसको डालो और घुमा दो। तो अभी लैपटॉप पे कर रहा हूँ एडिटिंग, ये सामने देखिए, और ये आया है मेरा रिटर्न पार्सल दोबारा से। मैंने जो खरीदा था उसमें मेरा कमर थोड़ा कम आ रहा था, स्लिम में 32 नहीं आता, 34 आता है, तो अभी मैंने ये 34 में दोबारा मंगवाया है। मेरा भी खत्म हो गया है Z5 वगैरह माँ, तो मैं रिचार्ज करवाऊंगा तभी। और ये बहुत ये तो मम्मी ऑन फायर है पापा। ठीक है माँ, रिचार्ज करके मैं तुमको पासवर्ड भेजता हूँ। सब पहले वाला जितना भी हुआ वो सब अब खत्म हो गया है, रिचार्ज करा के देता हूँ माँ, टेंशन मत लो, बाय। ठीक है पापा, बाय। और अभी मम्मी का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है तो मम्मी बौखला गई है, बोल रही है जल्दी रिचार्ज करो नहीं तो मैं खुद कर लूंगी, उसको एकदम चाहिए ही चाहिए सीरियल देखने का। पापा बता रहे थे, ऐसे भी मैंने भी देखा है, रात को मम्मी सोने जाने से पहले मोबाइल लेकर के और सारे व्हाट्सएप चेक करेगी, उसके बाद सारे सीरियल के अपने कोर्स को कंप्लीट करेगी और तब सोती है। कल जल्दी सो गई थी, पापा उसी के मजे ले रहे थे। सो लैपटॉप पे मैं अभी स्ट्रेंजर थिंग्स Season 4 ऑन करके देखना शुरू किया हूँ, ये पहला एपिसोड है। अंधेरा करके रूम को एंजॉय कर रहा हूँ इसको। सो गाइस 9:30 हो रहे हैं और मैंने अपना खाना वगैरह खा लिया है, डिनर इज डन। मैंने बनाया था रोटी और साथ में अंडा कड़ी, मजेदार खाना हो गया। 9:30 में इसलिए हो गया क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, और बाहर जाने के लिए ये ब्लैक टी शर्ट पहना है मैंने, और साथ में जो नया नया पैंट आज आया है तो ये बिल्कुल सही फिटिंग बैठ रही है इसकी, तो ये मेरा आउटफिट है। ऐसे देखो हाफ पैंट में जाने वाला हूँ और ये ब्लैक टी शर्ट पहन के, और अभी मैं लिफ्ट एरिया में खड़ा हूँ और लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, आने में अभी 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो गाइज मैं अब आपको बताता हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, मैं और अमित आए हैं ये यहाँ पे अनुपम, यहाँ पे मिराज सिनेमा हॉल है, इसमें आज शुक्रवार है और आज ही के दिन लगी है कौन सी मूवी, शमशेरा, शमशेरा देखने आए हैं हम लोग रात के 10 बजे वाली शो। स्टोरी बता कैसे आया थी?
स्टोरी भाई ऐसी है, बात मैं सुबह जिम में था, जिम में इसने मुझे मैसेज किया से पहले, मैं 3-4 दिन पहले ही पूछा था। पहले बोला था, मैंने बोला था मैं नहीं जाऊंगा, मैंने पहले ही इसको एकदम साफ मना कर दिया था। उसके बाद इन भाई साहब ने पहले ही टिकट बुक कर लिया बिना मुझे बोले, और उसके बाद जिम में मैं गया आज सुबह में, तब ये मुझे मैसेज करता है शमशेरा देखने चलेगा, मैंने बोला नहीं, फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजता है कि टिकट तो मैंने बुक कर लिया है। अब बताइए इसमें इंसान क्या ही कर सकता है। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, लेकिन फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि भाई साहब का मन था। अभी हम लोग आ चुके हैं 25 मिनट पहले, तो बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। वैसे क्या सच कहो तो मुझे अब हॉल वॉल में आने का मन करता नहीं है। लास्ट टाइम मैं इसी हॉल में आया था RRR देखने के लिए 3D में, लेकिन बाद में वो भी नेटफ्लिक्स पे आ गया, अमेजोन पे आ गया, इसको भी मैंने बोला था कि आ जाएगा, बट फिर भी लास्ट टाइम भी दोस्तों के दबाव की वजह से ही आया था, इस बार भी दोस्तों के दबाव की वजह से ही आया। चलो एंजॉय करते हैं मूवी। अरे खुल जा भाई लिफ्ट, यहाँ भी वेट कराएगा क्या? तो ये अमित का सेलेक्टेड मूवी शमशेरा कैसा लग रहा है भाई? 1.5 घंटे में अभी इंटरवल हुआ है और लगती है 3 घंटे की मूवी है। अमित की फेवरेट मूवी, हर 10 मिनट में कहाँ से होगी, आज पहली बार देख रहा हूँ, फेवरेट कैसे होगी, हर 10 मिनट में गाना ही आ रहा है, हर 10 मिनट अभी ब्रेक हुआ है। सो गाइस आप लोग चोपा समझते हैं, चोपा इस मूवी को देख के हमारा चोपा हो गया। चोपा मतलब कि बेवकूफ बनना, जानबूझ के बेवकूफ बनना, पैसे दे के बेवकूफ बनना, उसको बोलते हैं हर 10 मिनट में गाना। इंटरवल तक भी इरिटेट हो चुका था, लेकिन सोचा चलो इंटरवल के बाद कुछ अच्छा होगा, आखिरी दम तक के एकदम रुला दिया, लगा कि भाई अब खत्म हो जाए और चला जाऊं। ये बॉलीवुड कभी नहीं सुधर सकता। ये भाई साहब स्टार्टिंग में तो इतना हाइक देते हैं, लगा कि भाई बहुत अच्छी मूवी होगी, लेकिन हक दिया है भाई, हक दिया है, दिमाग का दही हो गया। सो रात के 1:30 बजने को आया और अभी मैं आया हूँ अपने घर। जनरली मैं किसी भी फिल्म को चाहे कितना भी ख़राब हो देखता हूँ, और इस बात से देखता हूँ कि यार उसमें टीम की मेहनत लगी है, लोगों ने मेहनत करा होगा तो इसको देखते हैं, बट इतना भी घटिया मूवी नहीं देख सकता। आपको पता है मैं पहली ऐसी मूवी है जिसको हॉल में देखने गया हूँ और मुझे गुस्सा आ गया है, इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया। डायलॉग्स नहीं है तो बैकग्राउंड स्कोर डाल दे रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद गाना डाल दे रहे हैं, यार परेशान हो गए। जितनी बार भी भिड़ंत हो रही है, संजय दत्त हमेशा रणवीर कपूर को मार ही रहा है, हर बार मार ही रहा है, कितना भी हो रणवीर कपूर बेहोश हो गया, ऊपर से कौवा आ रहे हैं, पता नहीं क्या VFX यूज करके और क्या कहानी का लॉजिक लगा रहे हैं, कौवा आ जा रहे हैं, कौवा लोगों को मार रहे हैं। अबे यार क्या बॉलीवुड को हो गया है, और ये खास करके यश राज फिल्म को। हॉरिबल मूवी गाइज, हॉरिबल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज डोंट गो एंड वॉच दिस मूवी। टीवी पे भी आए ना तो आप अपने रिस्क पे देखना, ये आपकी मर्जी है। मेरा मूड ऑफ हो चुका है, लेकिन अब मैं सोने जा रहा हूँ, 1:30 भी बज चुके हैं रात के, तो अब जाता हूँ, कल सुबह एक नए नोट पे नई चीजें शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। टाटा बाय बाय, लव लव, भारत माता की जय। प्लीज डू सब्सक्राइब।